जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार मुसलमानों पर गोहत्या के नाम पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या फिर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है। ऐसे में झारखंड अदालत ने एक जिले में 53 लोगों पर लगाए गए गोहत्या के मामलों में कोर्ट ने अधिकतर लोगों को बरी कर दिया। अब सबूतों के अभाव में इस साल जनवरी में निर्दोष हुए 63 वर्षीय बाला मुंडा कहते हैं कि वो भाग्यशाली हैं कि जीवित है। झारखंड के इसी जिले में पुलिस ने पिछले सप्ताह यानी 22 सितंबर को हत्या के शक के एक 40 साला कलंतस बारला की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। यहाँ हम आपको ऐसे कुछ मामलों के बारे में बताएंगे जिनको न्यायालय ने गोहत्या से जुड़े आपराधिक मामलों में बरी कर दिया। फैसला नंबर 1, 27 सितंबर 2018 न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया गया जबकि उसने समन और वारंट भी जारी किए। इसके अलावा खूंटी के एसपी को भी पत्र लिखा मगर अभियोजक पक्ष ने ना तो कोई गवाह पेश किया और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत साबित किए। इस पर जज तरुण कुमार ने फैसला दिया कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं दूसरा फैसला 30 जनवरी 2019 को आया जिसमें अदालत ने कहा कि गवाह की तरफ से दिए गए बयान अफवाह पर आधारित है जिसका कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है। जज रवि प्रकाश तिवारी ने कहा कि किसी गवाह ने आरोपी की पहचान नहीं की और फैसला दिया। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा। इसके अलावा एक और फैसले में 16 अप्रैल 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि अभियोजक पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था जिससे केस को मजबूती मिले। वहीं एक और फैसले में जो 25 जनवरी 2019 को आया कोर्ट ने कहा कि 5 गवाह दुश्मनी पर मबनी थे और अन्य को पता नहीं था कि अपराध में कौन शामिल है। उन्होंने पेपर पर महज हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब्त किया गया मांस उसके पास पेश नहीं किया गया। जज ने चारों आरोपियों को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि गवाहों को नहीं मालूम कि अपराध में कौन शामिल था। ये ऐसे कुछ फैसले थे जो कोर्ट ने मुलजिमों को बरी करते हुए सुनाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से झारखंड पुलिस प्रशासन के इशारों पर मुसलमानों को सता रही है। वहीं दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।